आध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की चकली। ये बिल्कुल बर्फी जैसी होती है पर इनकी थोड़ी शेप अलग होती है। जिस तरीके से हम बनाएंगे इससे बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। आप देख सकते हो कि मेरी बेसन की चकली कितनी टेस्टी बन के रेडी हुई है, कितनी सॉफ्ट है, इनका टेक्स्चर भी कितना अच्छा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बेसन की चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम बेसन लिया है और ये लड्डू वाला बेसन है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब हमें ये बेसन लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। गैस की फ्लेम को फुल ना करें वरना हमारा जो बेसन है वो तले में जल जाएगा और हमारी जो मिठाई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। मैं लो फ्लेम पे भून रही हूँ। हमारा बेसन थोड़ा सा भून चुका है, आप देख सकती हो उसके कलर में चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे इसमें घी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप देसी घी ही डालें वरना हमारी जो मिठाई है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। मैंने ये हाफ कप लिया है देसी घी, पहले मैं आधा डाल रही हूँ। मैं इसको मिला लेती हूँ। आप देख सकती हो कि घी की क्वांटिटी मेरे इसमें कम है। अब मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा घी। मैंने पूरा हाफ कप घी डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको अच्छे से चला के मिला लेती हूँ सारे में। आप देख सकते हो कि हमारे बेसन का कलर कितना चेंज हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका घी कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें बेसन को कम से कम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे और भूनना है। बेसन हमारा भून चुका है, आप देख सकते हो। बस हमें इसी तरीके का भूनना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके लिए पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी, मेजरमेंट के हिसाब से है 250 ग्राम। मैंने अपनी चाशनी बनाने के लिए पैन को गैस के ऊपर रख दिया है। मैं एक उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे क्या थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है मिठाई में। हमें चाशनी कोई 1 या 2 तार वाली नहीं चाहिए, बस हमारी चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और हल्के से बबल्स पड़ने लगे तो समझना हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी में एक उबाल आ रहा है, चाशनी में हल्के हल्के बबल्स पड़ने लगे हैं। आप देख सकते हो हमारी चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है। और अगर आपको ये लगे कि हमें कैसे पता चलेगा तो आप इस तरीके से लें और इसको जब आपकी उंगलियों में हल्की चिपचिपाहट हो तो समझना कि हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है, वरना ये बबल्स देख के पहचान लेना आप कि आपकी चाशनी रेडी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हमारा बेसन भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब जो हमारे पास ये चाशनी है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। आप देख सकते हो कि बैटर अभी थिक है, अभी हमें थोड़ी सी और ज़रूरत है। हमने जो 1 गिलास की चाशनी बनाई थी हमारी सारी चाशनी काम में आ गई है। अब हम जो हमारे डो है इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अगर आपके पास ट्रे हो बर्फ़ी जमाने वाली तो वो ले सकते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको प्लेट में बता रही हूँ। मैंने पूरी प्लेट पे घी अप्लाई कर लिया है। अब मैं इस पर अपना बैटर निकाल लेती हूँ। अब हम इस बैटर को पूरी प्लेट में अच्छे से फैला लेते हैं। आपके पास इस तरीके का पलटा हो या स्पैचुला हो उसकी सहायता से इस तरीके से कर दें। आप देख रहे हो कि जो मेरा बैटर है बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये किनारों पे अगर लग जाए तो इसकी सहायता से इस तरीके से इसको शेप दे देना। मैंने पूरी शेप दे दी है, चारों तरफ से एकदम गोल कर दिया है इसको। मैंने बिल्कुल इसको प्रॉपर फैला दिया है और एकदम स्मूथ कर दिया है।
अब हम इस पे लगा देते हैं चांदी का पेपर। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दें, पर आज मैं ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ चांदी का पेपर। मैंने अपनी पूरी प्लेट में चांदी का पेपर अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो हमारा है सेट हो जाए अच्छे से। हमारा बर्फ़ी का बैटर सेट हो चुका है, इसको रखे हुए 20 मिनट हुए, 20 मिनट में बिल्कुल सेट हो गया है। अब आप चाहे चाकू से काट लें इसके पीसेस या फिर काट लें कुकी कटर से। मेरे पास कुकी कटर नहीं है, मेरे पास एक छोटी सी कटोरी है, मैं इसी से इसको शेप दूंगी। जैसे मेरे पास ये बैटर है, आप इसको यहाँ पे लगा के इसको इस तरीके से प्रेस कर दें। मैंने अपनी इस कटोरी से सारी शेप काट ली है। अब हमें निकालना कैसे है इसको, इस तरीके से पकड़ना है और जो फालतू का बैटर है उसको इस तरीके से निकाल लेना है और बड़े आराम से अपनी चकली को हाथ पे लेना है और इसको हल्का सा टैप करना है और इस तरीके से इसको बिल्कुल गोल शेप देनी है। हमारी चकली बिल्कुल गोल बनी है, मैं इसको प्लेट में रख लेती हूँ। जो साइड से फालतू का पार्ट है उसे निकाल दें और इस तरीके से उंगली से बिल्कुल इसको इक्वल कर लें। आप इसको हल्का सा इस तरीके से दबा दें और हमारी बिल्कुल बेसन की चकली एकदम रेडी है, आप देख सकते हो इसका लुक। मैं इसको प्लेट में रख देती हूँ। अगर कुकी कटर हो तो उससे और भी अच्छी कटिंग हो सकती है इनकी। हमारी सारी बेसन की मिठाई बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। आप अपने घर में जरूर ट्राई करें इस तरीके से मिठाई, आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि बेसन बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ सके। और मुझे कमेंट्स में करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।